दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की दरिया दिली तो आपने कई बार देखी होगी। वह अक्सर लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर से अमिताभ लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं और इस बार उन्होंने सफाई कर्मचारियों को 25 मशीनें उपहार में दी है। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ ने सोशल मीडिया पर दी है। दोस्तों, दरअसल अमिताभ बच्चन ने सफाई कर्मचारियों की अमानवीय स्थिति को देखते हुए उन्हें 50 मशीनें देने की बात कही थी। अपने इस वादे को पूरा करते हुए अमिताभ ने ट्वीट किया, बनेगा स्वच्छ भारत। हाथों से सफाई करने वाले कर्मियों की अमानवीय स्थिति को देखते हुए मैंने उनके लिए 50 मशीनें खरीदने का वादा किया था। आज मैंने उस वादे को पूरा कर दिया है। मैंने सफाई कर्मचारियों को 25 छोटी छोटी अलग अलग मशीनें और बीएमसी को एक बड़ी ट्रक मशीन उपहार में दी है। सोशल मीडिया पर शेयर की हुई तस्वीरों में अमिताभ बच्चन बीएमसी के लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कुछ मशीन पर लिखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक बिग रेस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अमित जी जितने भी काम आपने लोगों के लिए किए हैं उसके लिए आप पर गर्व है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ओ गॉड तुसी ग्रेट हो, आपको शत शत नमन। कई यूजर्स अमिताभ बच्चन की तारीफ है कुछ लाइन लिखकर भी की है। एक यूजर ने लिखा, सदियां गुजर जाएगी उस मुकाम को पाने में, अब न पैदा होगा अमिताभ बच्चन इस जमाने में। आपको बता दे दोस्तों, इससे पहले भी अमिताभ बच्चन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करवा चुके हैं। फिल्मों की बात करें तो हाल ही में अमिताभ बच्चन की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा आमिर खान मुख्य किरदार में है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब तक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म भारत में महज 150 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ब्रह्मास्त्र फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर कपूर भी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।